यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में आवेदन तिथि बढ़ाने को लेकर आज 28 जून 2021 को लखनऊ आयोग पर अभ्यर्थियों ने बड़ा घेराव किया, जिसमें कुछ संख्या में छात्र और छात्राएं उपस्थित रहे और उन्होंने अपनी मांगों को अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया, जिस पर अधिकारियों ने बड़ी घोषणा की और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी रजिस्ट्रेशन तिथि को लेकर लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हुई। काफ़ी देर हुए धरना प्रदर्शन के बाद हर तरह के जो भी छात्र थे उनको अधिकारियों के सामने बुलाया गया और अपने सवालों को पूछने के लिए कहा गया, जिसमें पीईटी रजिस्ट्रेशन को लेकर जब अधिकारियों से सवाल पूछा गया तो उन्होंने चौंकाने वाला जवाब दिया। उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि पीईटी रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट बढ़वाने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि आयोग किसी भी हालत में रजिस्ट्रेशन की डेट आगे नहीं बढ़ाएगा, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी ने छात्रों के धरना देने पर स्पष्ट कह दिया कि कुछ भी आप कर लीजिए, हम यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन की तारीखें हैं उनमें बढ़ोतरी नहीं करेंगे। कुल मिलाकर सरकार और आयोग का जो अड़ियल रवैया है वो लगातार यहाँ पर जारी है। अभी कब पीईटी की परीक्षा होगी इसकी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, कयास लगाए जा रहे हैं। उसके बावजूद क्या एक सप्ताह की तारीखें छात्रों के हित के लिए नहीं बढ़ाई जा सकती हैं? बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन आयोग इसके लिए बिल्कुल भी प्रयासरत नहीं है, ना ही शासन, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना यहाँ पर सामान्य हो चुका है और ये लगातार ऐसे रहेगा। तो कुल मिलाकर समस्त साथियों को इस वीडियो से माध्यम से हम सूचना देना चाहते हैं कि बहुत ही मुश्किल है कि जो यहाँ पर अब आवेदन की तिथियाँ बढ़ सकें, क्योंकि रवैया यहाँ पर बहुत ही खराब है आयोग का। अब यहाँ पर कुछ बड़ा या तो आप करिए या फिर शांति से आप बैठ जाइए। बहुत ही कम यहाँ पर मौके हैं कि रजिस्ट्रेशन की तिथि अब बढ़े। बाकी कुछ अपडेट मिलेगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।